अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी हमारी सुलह हो चुकी है और हमारी लड़ाई कैसे हुई थी वो सारी बातें जो है ना वो पिछली वीडियो में पड़ी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा हम लोगों ने घर भी देखना है इसके लिए एक नया, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। और हमारी सुलह कैसे हुई है, किसने करवाई है, इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। सो वीडियो का टॉपिक जो है आज ख़ास इस बात पर है कि हमारी लड़ाई कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, और हमारी जब सुलह हुई है तो क्या तय पाया है हमारे दरमियान। सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू जी गाइस, इधर देख के आप हैरान हो गए होंगे ना कि ये क्या, हमारी तो लड़ाई चल रही थी। मियां बीवी की लड़ाई ऐसे ही होती है, दो दिन चलती है, दो तीन दिन चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती। फिर ख़त्म भी घर पे ही आके, घर की लड़ाई घर पे आके ख़त्म हो जाती है। बहरहाल खाना खा रहे हैं जी, ये देखें जी इनकी रोटी बनी हुई है और ये सालन है जी, ये खा रहे हैं खाना और आप लोगों को भी खा के दिखाते हैं कि इनकी जो है ना रोटी किस तरह की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी कुराड़ी है, मतलब रोटी थोड़ी मोटी मोटी है, पठानों वाली रोटी बनाई है इन्होंने, बहरहाल अच्छी है। हाँ सालन तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई होजन, क्या हाल है, ठीक हो? सब्सक्राइब, ओके सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग गाइस। कैसे आप सब, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। ये है जी हमारे साथ हो जान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? अभी से ठीक है आप? अच्छा फिट हो? कोई मसला मसाइल परेशानी तो नहीं है? नो प्रॉब्लम। और ये जो आँख है ना मेरी लाल हुई हुई है गाइस, ये जो है वो ज़ुकाम की वजह से लाल हुई है, मतलब ज़ुकाम जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है अभी। खांसी और जो फ्लू है मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। बहरहाल मेडिसिन तो खाई है मैंने इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक जो है वो सेहत देने वाले, शफा देने वाले अल्लाह पाक की ज़ात है इंशाल्लाह। काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो है वो पूछेंगे कि हाँ भाई ईशान भाई, आप लोग की तो लड़ाई हो गई थी, मतलब अब क्या बना है? तो मेरी तो किसी से भी लड़ाई नहीं थी, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरी क्या मजाल है कि मेरे साथ मैं जो है किसी के साथ लड़ाई करूं, बल्कि लोग जो है मुझसे लड़ाई करते हैं। तो बहरहाल अभी क्योंकि मैंने तो दिन जो है वो तकसीम किए हुए हैं और तकरीबन दो दिन पहले भी मैं इधर मौजूद था, लेकिन सेहत ठीक ना होने की वजह से जो है ना मैंने वीडियो नहीं बनाई है। बहरहाल अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी उन्होंने जो है ना वो नाश्ता वगैरह करवाया सुबह, तो अभी रोटी वगैरह खाई है, सॉरी रोटी अभी खानी है अभी जाके। तो रोटी इनके हाथ की बनी हुई देखते हैं जी किस तरह की है। इन्होंने बोला था कि मैंने रोटी बनाई हुई है तो आप जो है खाएँ आएँ, सो वो टेस्ट करते हैं खाते हैं। और उसके बाद मैंने जाना था एक जो है वो कॉलोनी के अंदर जाना था घर देखने के लिए, और इन्होंने बोला कि हमें जो है ना एक अलग यानी कि घर चाहिए, तो उसके लिए मैं देखता हूँ कि इनको जो है वो कहाँ पर घर देखना है इनके लिए एक और जो है ना, मतलब है कि ये तो है बहुत बड़ी जगह है, ये भी ठीक ठाक जगह है, लेकिन इसके अलावा जो है ना हमारी पाकिस्तान से भी फैमिली आनी है, तो उनके लिए भी हमें जो है ना वो लाजमी चाहिए थे घर वगैरह, तो वो भी देखेंगे। तो मैं वो भी मतलब एक आप लोगों को दिखाऊंगा कॉलोनी में क्लस्टर्स में किस तरह के घर हैं, कितने के मिलते हैं इस वीडियो में भी। और इसके अलावा जो है खाना खा के फिर चलते हैं इंशाल्लाह। सो आप लोगों को दिखाते जी किस तरह की रोटी बनाई हुई है इन्होंने। ये हैं जी इनके जो है ना सफ़ेद चावल हैं, और ये जनाब है इनकी रोटी बनाई हुई, ये देखें जी। और ये जो है ना इस तरह से इन्होंने रोटी बनाई है, ये देखें जी। और ये है जनाब सालन इनका बना हुआ, और ये क्या है, दिस इज़ वाट इज़ चिल्ली। अच्छा ये सारी मिर्चें हैं अगर किसी को मिर्चें खाने का शौक हो, और ये भी सालन है। इसके अलावा ये जो है वो पाबियाँ हैं, और ये इंडोनेशिया की डिश है, दिस इज़ वाट नेम, हाँ सावी सावी। गाइस मेरी इंग्लिश पे हंसना नहीं है ये जो है ना वो। अच्छा जी ये बड़ा गोश्त है, इन्हीं ना पता ताहू, अच्छा ताहू है। ऑडी को क्या हुआ, ऑडी ने ये पहना हुआ है, आप ऑडी नहीं, व्हाट हैपन ओ कलर लगाया हुआ। अच्छा जी ये बैठी हैं जनाब बेगम साहिबा, और ये जी बैठी हैं जनाब खाना वगैरह खा रहे हैं, हुजन भी साथ खा रहे हैं खाना। क्या हाल है हुजन, ठीक है फिट है? कोई मसला मसैल होवे, कोई परेशानी होवे, मैं को दसी, मैं आप परेशान ना, मैं आप बहुत टेंशन है जा, कोई टेंशन है, कोई टेंशन कह नहीं ना, फिट है, ओके ठीक है उस्ताद, ओके ठीक है।
और जिनको मैंने बोला कोई मसला मसाइल हो ना, परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं ख़ुद परेशान हूँ बल्कि मुझे मत बताना, कोई शेयर की ज़रूरत हो, कोई चीज़ चाहिए हो जन, आपने मुझे नहीं बताना, मैं ख़ुद परेशान हूँ। सालन जो बनाया ना इन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम वैसा बनाते हैं जिस तरह पाकिस्तानी ख़वातीन बनाती है, क्योंकि इन्होंने कुकिंग करनी सीखी थी मेरे से, और मेरे से ऐसे सीखी थी कि मैंने इन्हें बताया था मतलब लून मिर्चें मसाले वगैरह ये चीज़ें किस तरह से ऐड करते हैं। तो और ये है जी लुकमा, इसे लुकमा कहते हैं उर्दू में, रोटी है, मतलब है कि इंडोनेशिया के अंदर जो रोटी है जो डब्बा रोटी है उसको ये लोग रोटी कहते हैं, हम लोग इसको रोटी कहते हैं, हमारे लिए ये रोटी है असल। तो वो कहते हैं ना कि मसला मसला सारा रोटी दा हमेशा कहते हैं, तो हम लोग जो है ना वो रोटी के लिए मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में कहते हैं ना कि हम रोटी के लिए दो वक्त की रोटी के लिए, इंडोनेशिया के अंदर तीन वक्त के चावलों के लिए लोग मेहनत करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया है और हमारे पास जी मेहमान आए हुए हैं जी मेरे मुझे मिलने के लिए, ये भाई साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हैं? खैरियत से हैं? अभी से ठीक है। यही कमेंट पढ़ रहे थे उस दिन जब मैं बीमार हुआ हुआ था मेरी वीडियो के, और ये हैं जी हमारे साथ अंकल चाचू जो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? खैरियत से ठीक है, सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आप लोगों का बड़ा शुक्रिया मिलने के लिए आए हैं, मुझे मेरी हालत पूछने के लिए आए हैं, बीमार हूँ मैं तो इस वजह से जो है मेरे मुझे पूछने के लिए आए हुए हैं कि हाँ बेसियत कैसी है तुम्हारी। बाकी अल्लाह का शुक्र है अभी जो है ना मेडिसिन तो खा रहा हूँ इसमें, लेकिन बस जो है ना वो फिर भी खांसी वगैरह और ज़ुकाम वगैरह जो है रात को ज़्यादा हो जाता है ख़ास तौर पर जो है ना। बहरहाल जी बड़ी बीवी जो है वो खिदमत शिदमत कर रही है अभी सही, मतलब ठीक से, तो खजूर शजूर पिलाए इन्होंने, जूस वूस पिला रही है साथ, ख्याल करें जूस अच्छे मिला के सारे ना पोक कर छटे रे गम यार, सब तेरा राजीनामा करावना है, अच्छी गल है, सारा सबूत वीडियो तो ला दीती सारे पिछले को केस करण ते आसानी थी पता चले जूस अच्छे मिला के ते जेड को ये वीडियो लाड के सब हो गया और दनन जेड़ा बंदे दा शुक्र अदा नहीं करंदा अल्लाह दा कीवें शुक्र अदा करे सी साडे ते अंकल दा तुसा शुक्रिया अदा करने स्पेशल असा आए हासे जी, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। सो अभी थोड़ी देर तक जो है ना मैंने जाना है जी घर देखने के लिए, बड़ी बीवी ने बोला है कि मुझे जो है ना वो मेरे ऑफिस के करीब घर दिला के दो एक, और जो है ना तो वो जो नज़दीक पड़ता हो। सो इधर जो है ना वो तकरीबन 1 मिलियन 1.5 मिलियन अराउंड अबाउट में जो घर मिल जाते हैं। सो मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मुझे जो है वो पिछले मैंने देखा घर वो मुझे पसंद नहीं आया, वो जो इलाका था वो गलत इलाका था, ये बोगोर का था, तो हमें जो है वो तंगरंग में ही चाहिए होता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे जो वीज़े हैं उसके एड्रेसेस जो हैं वो तंगरंग के हैं, तो जहाँ पे एड्रेस होता है वहाँ पे रहना ज़रूरी होता है। सो इस वजह से हम तंगरंग से आगे पीछे अगर मूव करेंगे तो हमें जो है वो अलामत यानी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। सो इस वजह से इससे बचने के लिए बेहतर है कि हम तंगरंग में ही, मतलब नई जगह तंगरंग में ही ले, तो हम वहीं रह सकते हैं। सो इसी वजह से जो है हमने घर देखने के लिए जाना है और आप लोगों को भी दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ये घंटी वाला बटन जरूरी दबावने ठीक है, ताकि जेडियां घंटियां सारियां वेजे नु थोक नजर आ दिया ठीक है ना साहब? बिल्कुल बिल्कुल ओके जी, सारे का बहुत शुक्रिया। देवी जनाब मेहमान जा रहे हैं हमारे जी। फ्रेंड्स वेलकम बैक, हम लोग जो है वो घर देखने के लिए आए हैं जी अंकल के लिए चाचू के लिए माशाल्लाह, और यहाँ पे जो है ना वो मतलब ये विजिटर हैं ख़ास तौर पे जो है ना ये मुझे मिलने आए हैं स्पेशल इंडोनेशिया में, और ये हमारे इलाके के अंकल हैं ठीक है जी। और ये जो है ना हम लोग इनके लिए देखने आ रहे हैं रिहाइश, क्योंकि बड़ी बीवी की जो है ना हमने रिहाइश देखनी है, तो साथ ही जो है ना इनकी भी रिहाइश यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। सो मुझे एक घर नज़र आया पीछे से, और ये घर जो है ना वो बड़ा मतलब अच्छा घर है, बड़ी अच्छी सोसाइटी है, ये बड़ी प्यारी सोसाइटी है, और इस जगह पे जो है ना हम लोग मतलब साथ में प्लेग्राउंड वगैरह भी और चीज़ें भी काफ़ी सारी हैं मतलब ज़रूर। सो अभी जो है क्योंकि यहाँ पे मालिक जो मकान होते हैं वो तो मौके पे अवेलेबल नहीं होते, वो तो दूर दूर होते हैं। सो इस नंबर पर जो है कॉल करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा कि आप किधर है, जैसे उनसे रابطہ हो जाएगा तो फिर जो है वो अगले दिन चाबी लेकर आएंगे यहाँ पे और हमें जो है घर अंदर से दिखाएंगे।
तो बेसिक जो इंडोनेशिया के अंदर घर के मॉडल होते हैं, फर्स्ट फ्लोर ज़्यादातर बनाती है और रूम वन रूम टू मतलब इस तरह से ये बनाते हैं, मतलब कि पहला कमरा दूसरा कमरा और इसके अलावा जो एक छोटा सा हॉल होता है। सो ये तरीक़ाकार होता है, ये तरतीब होती है इनके मकानों की। ये है जनाब कॉलोनी और मगरब की अजान आने वाली है अभी इस टाइम जो है, और बाहर जो है वो प्ले ग्राउंड है बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा, यहाँ पे खेलने के लिए बड़ा अच्छा प्ले ग्राउंड बना हुआ है, खेलने कूदने के लिए बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है। और उसके बाद जो है ना कॉल करते हैं, पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं घर वाले मतलब जी। हमें जो है ना बैक साइड पे जो घर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये मैंने मालिक से बात की है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा है कि आपको जो है वो एक महीने के लिए भी मिल सकता है, मतलब मंथली के लिए, और इसके अलावा साल के लिए 6 महीने के लिए भी मिल सकता है। तो इसका रेंट है तकरीबन इंडोनेशियन 2 मिलियन जी। माशाल्लाह से ये घर है जी, फर्निश्ड घर है, बड़ा प्यारा फर्निश। और ये देखें जनाब, ठीक है यहाँ पे है किचन और रिफ्रिजरेटर जो है ना, फ्रिज के अंदर जो है ना वो बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बोतलें पड़ी हैं, नहीं खाली है फ्रिज। चलो फ्रिज का भी बड़ी सहूलत है। ये है फर्निश्ड घर, ठीक है जी। और इसके अलावा ये है जी बेडरूम और एयर कंडीशन इंस्टॉल्ड है, ठीक है जी। ये अलमारी है जी कपड़े रखने के लिए, और बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी। और जी बाहर की तरफ देखें तो ये है जी दूसरा कमरा, वाओ इधर भी बेड पड़ा है, एक बच्चा नीचे सो जाए, ये चिल्ड्रन बेडरूम होता है। और ठीक है जी, और ये है जी वॉशरूम, ठीक है जी। और उन्होंने बोला है कि अगर आपको और सामान चाहिए तो और भी मिल जाएगा। सो ये है घर बड़ा प्यारा खूबसूरत सा, ठीक है जी। चूल्हा भी पड़ा है उनका, बस गैस सिलेंडर जो है ये भी पड़ा है नीचे, ये देखें जी सिलेंडर भी पड़ा है, और क्या चाहिए। ये जी पीछे क्या है, ये है जी पीछे गैलरी है, मतलब ये देखिए पीछे से ओपन है, अगर आपको आर पार हवा चाहिए ये आर पार है। ये है जी घर, और इसका किराया कितना होगा आप सोचिए ज़रा, आप अंदाज़ा लगाइए। पिछले घरों का मैंने रेंट बताया, इस घर का जो है वो रेंट कितना होगा। घर बहुत खूबसूरत है लेकिन बसात जो है ना जब रहेंगे ना तो इसको गंदा कर देंगे पूरे घर को। इतना भी हम नहीं करते हैं, खूबसूरती बिगाड़ के रख देंगे थोड़ा सा। इधर भी कचरा पड़ा होगा, इधर भी पड़ा होगा, इधर भी पड़ा होगा, आपसे सीख रहे हैं ना सर। मेरे से सीख रहे हैं। वो जिसका घर है ना बड़ा खुश होकर बता रहा है कि मैंने अभी अभी रेनोवेशन इसके करवाई है। मैंने कहा तुम ठहरो, जो भाई मेरे हाल करेंगे ना तुम्हारे घर का। चले अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो। और ये जी जगह है माशाल्लाह, लगे बेड सही है ये, हाँ ये बेड नरम है, स्प्रिंग बेड है ये, स्प्रिंग बेड मैंने भी इसी तरह का लिया था, सही है जबरदस्त है। इसमें एसी है, उसमें एसी नहीं है, ये डबल भी हो जाता है गाइस, ये फ्रेंड्स डबल भी हो जाता है। सो राजी है जी, राजी हैं तेरे ते सुने जी। कैसा है सोफा, अच्छा है, कंफर्टेबल है जी, बस दुरुस्त है, सही है, मतलब है कि नॉर्मल है ना, चीज़ें हैं छोटी मोटी चीज़ें अंदर कमरे। हाँ, करनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है वो फाइनल मिला है जनाब, 2.5 मिलियन पे हमें मिला, इंडोनेशियन 2.5 मिलियन पाकिस्तानी 37,000 समथिंग के लगभग जो है मिला है। तो एक घर तो मिल गया जी, फाइनल हो चुका है। सो दूसरा घर जो है ना हमने बड़ी के लिए देखना है। सो वो जो है अभी तकरीबन टाइम भी काफ़ी हो चुका है, शाम भी हो चुकी है, बल्कि रात हो चुकी है, 7:30 बज रहे हैं, मगरिब की नमाज़ भी हो चुकी है, अब इशा की नमाज़ का टाइम हो चुका है। सो वो तो इशा की जो है ना वो लेट पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सो बहरहाल दूसरा घर जो है ना वो देखते हैं, अगर अभी मिल जाता है तो अभी हम लोग उसको ले लेते हैं। और ये भी अच्छा हुआ कि बड़ी बीवी का भी घर मिल गया है ये, ठीक है जी। और ये देखें जनाब, ये कमरा है पहला, इसके बाद अंदर से ये किचन वगैरह का निज़ाम है, सिस्टम है। और ये जो है थोड़ा बड़ा बेडरूम है ये, ठीक है। और ये है जी अगला बेडरूम, एयर कंडीशन इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, एक के अंदर जो है। सो इसका जो रेंट है वो तकरीबन 2.5 मिलियन रेंट है, 2.5 मिलियन इंडोनेशियन रुपया। और ये है जी प्यारा क्लस्टर,
जी अभी माशाल्लाह एक बड़ी खूबसूरत जगह है इंडोनेशिया के अंदर, बड़ी प्यारी जगह है, कॉफ़ी शॉप जी है। कॉफ़ी शॉप पे आए हैं जनाब मेहमानों को लेके, और ये मेहमान हमारे जी अंदर बैठे हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सो यहाँ पे जनाब बैठे हैं, और अभी जो है ना ऑर्डर किया, क्या चीज़ ऑर्डर की है जी? वो मैं लाहौर में होता था ना, काम करता था, एक लड़का था उसका नाम था एजाज भाई, तो जब भी जाना ना होटल पे तो कहता था यार जीशान भाई दिखाते जो दही दे देवी, पराठा दे देवी। आज जो है ना मैंने बोला लड़की को मैं कि अंकल के खाते में कॉफ़ी पिला दो हमें। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, ठीक हो? खैरियत है? हाँ मेरे कैमरे तो ढेर चिट थी बैठी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तबीयत सी ठीक है? उन फिट है? सेहत? चलो जी मिजाज मिजाज मूड 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 हैप्पी हैप्पी राजी है हूँ मसाद हूँ राजी जी। इनका नया घर हमने तय कर दिए, और नया घर जो है ना इनको मुबारक हो जी, और बिल्कुल अब ठीक है, फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ अली दी माँ का क्या करूँ? अली दी माँ ना बस उठाई मैं मुलाकात करूँ मैं समझ इंशाल्लाह। अली ये अली मदर्स के नाम से एक रिएक्शन चैनल है, उसकी हम फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं। बीवियों की लड़ाई हुई ना तो जनाब उसने मतलब स्टार्ट कर दिया, आपने वीडियो देखी होगी शायद उसकी। मोहतरमा ये अपना हाँ मोहतरमा ये देखें कि हम सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, इनका किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है, इनका तो बहुत प्यार है, ये बहुत प्यार से रह रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप इनकी लाइफ में क्यों आते हैं, क्यों इनको परेशान कर रहे हैं? बेहतर यही है कि आप इनकी ज़िंदगी से निकल जाए, इन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दें। आप अपनी ज़िंदगी जिए, अच्छी जी रहे हैं या बुरी जी रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी जिए। और अगर आपको ज़्यादा शौक है तलाक करवाने का तो अपने शौहर से ले लें। हाँ इधर जो है ना, इधर आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो है ना यहाँ आए आप फिर देखा जाएगा कि आप क्या करते हैं, आप इनका कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी जो है ना, पाकिस्तान में भी जो हालात है वो सब जानते हैं, इधर भी बहुत कुछ हो सकता है अगर वो करना चाहे, लेकिन आप बेहतर है कि इनको छोड़ दें बस। बिल्कुल अच्छा, वो वियतनाम में होती है। अच्छा 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 आपको वो एक वीडियो में मैंने प्रैंक किया ना कि पाकिस्तान में तीसरी शादी, तो उसने वीडियो बना डाली जीशान की, देखी भी नहीं वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, आप सबको मजीद हमारी दुआ है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप तो हमारे भाई हो, भाई कोई आपके घर से कमी नहीं होगी तो हम इंशाल्लाह सारे मौजूद हैं इंशाल्लाह सारी कम्युनिटी जो है ना वो इंशाल्लाह इधर उधर से अगर कोई हम दिखा के लिए भी हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना जी मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के शहर वाकेंट में रह रहा हूँ जी जी। उधर मेरी रिहाइश है, मेरा अपना उधर कारोबार है, मैं पंजाब पुलिस से रिटायर हूँ माशाल्लाह। और इंशाल्लाह आइंदा जो है ना वो इंडोनेशिया में रहने का मुस्तकबिल में इंडोनेशिया में रहने का सोचता हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और पुलिस में किस रैंक पे थे आप? मैं कंस्टेबल रैंक। अच्छा कंस्टेबल थे जी। मैंने आगे वो इम्तिहान नहीं दे सका था क्योंकि मेरे कुछ अपने के लिए मामला थे जी। हाँ जी, इस वजह से मैं जो है ना आगे पेपर नहीं ले सका, जिस वजह से मैं नहीं तरक्की कर सका। नहीं नहीं, अभी तो आप प्रॉपर रिटायरमेंट वाली लाइफ है जी जी। एक रिटायर्ड बंदे के लिए इंडोनेशिया कैसा मतलब क्या बताएं, एक रिटायरमेंट वाला पेंशन वाला बंदा? बहुत अच्छा है क्योंकि इधर जो है ना सर, मैंने एयरपोर्ट पर सिर्फ तारफ करवाया था। अच्छा, पंजाब पुलिस से रिटायर जी। तो उन्होंने मुझे जो है ना दूसरी बात नहीं की, फिर उसी वक्त उन्होंने कहा ठीक है चलो माशाल्लाह। उससे पहले जो है ना, पहले हालांकि उन्होंने मुझे रोका है जी हाँ, लेकिन जब मैंने ये तारफ करवाया, अपना कार्ड दिखाया जी, उसी वक्त उन्होंने कहा ठीक है। और बल्कि मेरे साथ उन्होंने सेल्फी भी करवाई जबरदस्त इंडोनेशिया एयरपोर्ट।
इमिग्रेशन ऑफिसर। अच्छा माशाल्लाह, ये तो जबरदस्त है, ये तो जबरदस्त चीज है। एक बिल्कुल घास को तो नहीं रगड़ा इन्होंने। तकरीबन तकरीबन क्या मसाज? कोल्ड टी है। अच्छा अच्छा, पक्की गाल है। हाँ, जो के पैसे में साथ क्यूरीज ini untuk cashnya pembayarnya via QRIS atau bank nanti aja jadi berapa saja jadi jadi एक लाख रुपए के पांच कप हैं जी, लाख रुपए थे। किसी को बताओगे ना वो हैरान हो जाएंगे, लाख रुपए की तो सिर्फ चाय पी है। ये एक लाख लाख रुपए की ठंडी चाय, ठंडी वो भी ठंडी चाय, हमारा लेवल ही कुछ और है। और हाँ, एक और बात भी रहेगी थी, इसका भी चैनल है यूट्यूब का, और इसका जो नाम है ना बहुत मुश्किल रखा हुआ है, लोगों को सर्च करने में बड़ी परेशानी हो रही है, तो इसका चैनल भी सब्सक्राइब करना है फिलहाल के लिए। जब अनसब्सक्राइब करना होगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। ये मेरे ख़िलाफ़ ही वीडियो बनाना शुरू कर देती है। मुझे कह रही थी मेरे चैनल का लिंक क्यों नहीं लगा रहे, उसका लगा रहे हो। मैंने कहा तुम मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बना रही हो, मैं पागल हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट कर दूँ। आई गिव चैनल यू लिंक, ओके ओके। बट उन्हें उन्हें कहो कि ये एक दूसरे की आप जो मुखालफत है ना ये छोड़ दो। हाँ बट अंकल से अटा चलाता नथिंग नो बैक इन वीडियो आई कुड जस्ट एक्सेप्ट बट नॉट बैक अगेंस्ट दिशा नो अगेंस्ट नो अगेंस्ट नो गुड यस अंकल नो अगेंस्ट नंदी नंदी तो अली अली मदर मेकिंग न्यू स्टोरी। अच्छा, वो मुझे कह रही थी ये सारे मिले हुए, कह रही थी इसका मोबाइल मेरे हाथ लगा ना तो वो वीडियोस बना रही थी ना, मैंने उसके चैनल पे कमेंट किया खबरदार मेरे शोहर के खिलाफ दोबारा वीडियो ना बनाना। उसने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने चैनल में डाली, ये कह रही दोनों मिले हुए। हाँ बिल्कुल, मैंने विक्रा सुना था, विक्रा सुना था मैंने ये कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। हाँ बिल्कुल, शेख जो है ना लड़ाई लड़ते हैं जी। दोस्तों यहाँ पे बना रहे हैं जनाब ताहू, इंडोनेशिया में बोलते हैं जी ताहू फूड है जी। अच्छा, हमने आर्डर किया है, ये देखो ये मछली है, ले ले, गुड गुड, यस नाइस फूड। ये है जी चिकन, क्रिस्पी चिकन है जी। अच्छा, ये इनकी चटनी बड़ी कमाल की होती है, ठीक है जी, और साथ में जो है ना राइस हैं सफ़ेद चावल जो है, ये इनकी फूड है। हेलो गुड। बड़े फ्रेंडली लोग हैं बड़े। जी सो ये जो है ना हमारे फ्रेंड्स, हेलो हेलो तमन। हमारा फ्रेंड इधर बैठा है, हम गलत जगह पे चले गए। ये है हमारा फ्रेंड, हेलो ब्रदर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, कैसा रहा बिजनेस टूर? जकार्ता में कैसा मिला बिजनेस? अच्छा अच्छा, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली है तुम्हें वहाँ पे? इंशाल्लाह काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, और काम के मामले में जो माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मतलब पाकिस्तान से इंडोनेशिया आने का कोई फ़ायदा हुआ है? कारोबार बहुत है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इंडोनेशिया आने का फ़ायदा हुआ है तो आगे फ़ायदा और होगा, और अपॉर्चुनिटियाँ नज़र आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, चले इंशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब करे जी आपको इंशाल्लाह। पैसा है तो फिर तो आते साथ ही कारोबार शुरू कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर दो तीन महीने बिल्कुल सही से। इससे ये है कि दो तीन महीने में आपकी दुकान बन जाएगी, रिहायश का सेटअप बन जाएगा, खाना पीना सारा समझ आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही से सही। तो यहाँ आने के बाद बंदे का दिल नहीं करता वापस जाने का। इंशाल्लाह मैं अम्मी अबू को बुलाने लगा हूँ इंशाल्लाह, बस यहीं ले आते हैं। अबू को बड़ी बीवी के पास छोड़ देते हैं, अम्मी को छोटी के पास छोड़ देते हैं, बस उसको अबू संभालेगा, उसको अम्मी संभालेगी, दोनों संभाले, और आप और मैं बाहर, हम लोग तीसरे ढूंढेंगे।
तौबा है सुना तौबा सुना तौबा तौबा बड़ी कहती है इसको तौबा करवाओ ब्रदर करवाओ इसको अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जी अल्लाह पाक की जात का लाख लाख शुक्र है। और बस जो वजीफे मैं करो ना आप भी वही वाले करो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी खाने का टाइम है जी इंशाल्लाह गाइस फिर माशाल्लाह चेक करवाएं जी। ये है जी हमारा खाना जी फूड है ये देखिए जी चावल और ये हमारे पास ये चावल अच्छा, है शुरू शुरू में आया हूँ ना मैं तो दिल नहीं कर रहा था मैं थोड़ा थोड़े चावल खाता था अभी तो दो प्लेटें भी दे दो ना मैं खा अभी ऐसी आदत बन गई है बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो है ना खालिस है जो कुछ है ना प्योर है जो हमारे वहाँ पे गरम मसाले और वैसे मसाले हाँ बिल्कुल प्योर है बिल्कुल फूड है जो भी है ना मतलब है ऑयल भी है ना इनका अच्छा ऑयल अच्छा, है पाम ऑयल है खालिस पाम ऑयल हाँ खालिस पाम ऑयल चले थैंक यू ब्रदर थैंक्स फॉर यू ओके गाइस बाय बाय अगेन।